हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अप्रैल ने अभी जो है हाल ही में अपनी RS 457 को लॉन्च किया है इंटरनेशनल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी जो है इसे लॉन्च कर दिया है दोस्तों। और ये जो बाइक है ये बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर यहाँ पर रखी गई है। जो यामा की R3 है उसको लेने के बजाय अब जो है लोग अप्रैलिया RS 457 का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अप्रैलिया यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अप्रैलिया की तरफ से एक 2 on of 457 को टेस्ट करते हुए देखा गया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है दोस्तों। फाइनली दोस्तों अप्रैलिया जो है अपने 2 on of 457 को जो है टेस्ट करना जो है चालू कर दिया है दोस्तों। और ये हो सकता है कंपनी जो है अपनी नेकेड सेगमेंट में हमें 2 on of 457 बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये जो बाइक है ये बेसिकली नेकेड सेगमेंट में रहने वाली है। जो इनकी नेकेड सेगमेंट की बाइक आती है 2 on of की जितनी भी, वो सभी जो है अब आपको इस सीरीज में यानी कि इस इंजन के साथ में भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कुछ नया आपको जो है इस बाइक में देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सिंगल सीट जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी कम्फर्टेबल रहने वाली है। और हेडलाइट का डिज़ाइन जो है आपको राउंड हेडलाइट जो है देखने को मिल जाएगी दोस्तों। टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर टिपिकल चेंज होने वाली टेल लाइट जो कि RS 457 में आपको देखने को मिलती थी, वैसे जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो है USD फोक्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे गोल्डन कलर के, आपको एडजस्टेबल रहने वाले हैं ये। तो आई होप ये जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इसका जो एग्जॉस्ट की पाइप है वो जो है एग्जॉस्ट पाइप आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट पाइप जो है देखने को मिलेगा। और रही बात दोस्तों ये जो बाइक है ये फुल्ली लोडेड स्पेक्स टेक्निकल स्पेक्स के साथ में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। मुझे लगता है ये सेम रहेगी जैसे कि RS 457 में आपको सारे फीचर देखने को मिलते थे, वो जो है फीचर यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें जो है आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो कि आपको RS 457 में मिलता था। 457 cc का इंजन आपको देखने को मिलेगा, 47 HP की पावर, 48.8 Nm का टॉर्क जो है आपको देखने को मिल सकता है, 6 स्पीड की गियरबॉक्स रहेगी, 2 सिलेंडर इंजन जो कि आपको DOHC इंजन रहने वाला है, काफ़ी अच्छी पावर जो है आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। और ये जो इंजन है ये आपको 25 KMPL का माइलेज जो है देखने को मिल जाएगा, 15 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें रहने वाला है। और ये जो इस बाइक की स्पीड रहने वाली है दोस्तों 190 KMPL की टॉप स्पीड तक जो है आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है ये बाइक और काफ़ी लोगों को जो है अप्रैलिया RS 457 के जो है प्राइस बहुत ही अच्छे लगे थे। तो हो सकता है कंपनी जो है 2 on of 457 को भी एक नेकेड सेगमेंट में जो उतारेगी ये बाइक अपकमिंग होने वाली 2024 में, तो हो सकता है इसका भी प्राइस जो है उसी हिसाब से एग्रेसिव ही देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आपका क्या कहना है इसके प्राइस को लेके नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस बाइक का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।